156 मार्केट कमेटियां ने जिन्हां दे विच मुख यार्ड 152 ने और सब यार्ड 283 ने। खरीद केंद्र असी साढ़े को 1383 और असी टैंपरेरी जिहड़े इस खरीद नूं मुख रख के 401 खरीद केंद्र होर बनाए ने। इस तरह साढ़े को अज 2219 खरीद केंद्र जीरी की खरीद वास्ते पूरे पंजाब तैयार ने और असी सारे खरीद केंद्रां ते जिथे भी प्रोक्योरमेंट होनी है पीण वाले साफ पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, टॉयलेट्स का प्रबंध, सफाई का प्रबंध और टेंट वगैरह शैड वगैरह सारे असी मुकम्मल प्रबंध किए हुए हैं ता कि किसानां नूं फसल बेचण दे विच वख वख खरीद एजेंसियां नूं फसल खरीदण च कोई दिक्कत ना आवे। ते साढ़े कोल हुण तक तकरीबन 7.55 लख मीट्रिक टन फसल आई है जिहदे विच्चों 6.56 लख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। लिफ्टिंग इहदे विच तकरीबन 60% हुई है। मोदी साहब की सरकार की कमी है, उहदी गलती है कि पंजाब दे विच्चों जिहड़ा स्टाक ना चकना, पंजाब दे गोदामां नूं खाली ना करना, क्योंकि साडे वल्लों तां कोई कमी नहीं किसे पद्धर ते। असल च गल इह है कि वह चाहुंदी है कि जिहड़ी फूड का कंट्रोल है वो बड़े कारपोरेट नूं देना चाहुंदी है। मैं बड़ी स्पष्ट लफ्जां च कहना है कि इसे करके उन्होंने तीन काले कानून लियांदे सीगे जिन्हां दी वजह कारण उन्होंने सोचा सी कि जिहड़ा अनाज का कंट्रोल उन्होंने दे दिए। पंजाब का किसान जां असी बिल्कुल नहीं चाहते कि फूड का कंट्रोल बड़े कारपोरेट को जाए क्योंकि उन्होंने सस्ते च खरीद के स्टोर कर लेना, उस तो बाद गरीब बंदे नूं महंगे भाव ते बेचना। यही कारण है कुछ वो लोग जिहड़े फूड का कंट्रोल लेना चाहते वो ट्रबल खड़ी कर रहे हैं ता कि किसान मजबूर हो। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पंजाब दे विच सिस्टम जो मंडी सिस्टम बनया हुआ वधिया ढंग नाल चल रहा वो इस तरह चले, वह बड़े कारपोरेट नूं खुश करन वास्ते इस सिस्टम नूं डिमोलिश करन दे राह तुरे हुए हैं जिहड़ा कि असीं किसी कीमत पर डिमोलिश नहीं होण दवांगे।